मराठी पत्रकार संघ में सोलापुर अधिवेशन कृति समिति की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सोलापुर कृति समिति के सदस्य एवं शिवसेना के नगर सेवक श्री राजकुमार हचाटे जी का कहना था कि पूरे महाराष्ट्र के ग्रंथालय कर्मचारियों का वेतन शेड्यूल लागू करो, तब तक की मान वेतन कायदे कानून के हिसाब से दिया जाए। इस सब विषय पर शिवसेना के नगर सेवक राजकुमार हचाटे जी का कहना था कि मेरा पूरा नाम राजकुमार बाबूराव हंसाटे, मैं सोलापुर का रहने वाला हूं और सोलापुर महानगर पालिका में गए 10 साल से मैं नगर सेवक बोलकर काम कर रहा हूं। ग्रंथालय कार्यकर्ता बोलकर मैं ये चुनाव लड़कर चुनकर आया हूं, इसलिए मैं आने वाले 17 फरवरी को सोलापुर के हुतात्मा स्मृति मंदिर में ग्रंथालय कार्यकर्ता और कर्मचारी जो है इनका एक बहुत बड़ा अधिवेशन ले रहा हूँ। तो ये अधिवेशन में हम सरकार के तरफ से कोई मांग है हमारे, वो मांग अगर नहीं पूरे हुए तो हम ग्रंथ मित्र जो है उनको एक ऐलान किए थे कि तो अगर हमारी जो रोटी रोजी रोटी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर नहीं छूट गया तो हम वो पुरस्कार सरकार को साभार पर कर वापस करने वाले, इसलिए आपके तरफ से मैं एक गुंजाइश करता हूँ कि ग्रंथालय के जो कार्य करते हैं वो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ग्रंथालय के अधिवेशन में आकर अपना इकट्ठा होकर अपनी ताकत सरकार को दिखाना पड़ता है। जब तक अपना ताकत नहीं दिखाते तब तक सरकार झुक नहीं जाता, इसलिए आने वाले 17 तारीख को हर कार्यकर्ता एक आखिरी लड़ाई बोलकर यहाँ आना जरूर है। ये मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि सब कार्यकर्ता यहाँ बड़ी उत्साह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ सोलापुर को आने के लिए मैं उनको विनती करता हूँ। इसी दौरान रविंद्र कामत जी का कहना था कि रविंद्र कामत सोलापुर से हूँ। ये जो सार्वजनिक ग्रंथालय है पब्लिक लाइब्रेरी, उसमें मैं कर्मचारी ग्रंथपाल करके काम करता हूँ। सर, आप यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि यह जो पब्लिक लाइब्रेरी व्यवस्थापन है यही संपुष्ट करने का शासन तरफे प्रयत्न चालू है। इसको बचाना ये सिस्टम का एक कार्यकर्ता करके हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य आज आप निभा रहे हैं। यही तो हमारे हंसाटे साहब ने बताया कि 154 आज तक ग्रंथमित्र पुरस्कार शासन के तरफ से वितरित हुए हैं। वो ये जो संगठन है उनके वो कार्यकर्ता है, ये संगठन खत्म हो रहा है। ग्रंथालय चवल जो है वो खत्म हो रही है, कर रहे हैं शासन, उसको बचाने के लिए हमारे पास 80 लोगों ने अब तक 154 में से 80 लोगों ने नामांकन किया है कि हम गवर्नमेंट को ये पुरस्कार वापस करेंगे। और जो बचे हुए हैं वो भी क्यू में है। 17 फरवरी को हम सोलापुर में यह महाकुंभ बना रहे हैं, उसमें और लोगों का कंफर्मेशन होने वाला है। अगर बजट अधिवेशन 26 फरवरी को है, वहां तक अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो उसके बाद हम ये जो सब है आपके मीडिया के सामने सब जो जितना राज्य में पुरस्कार है वो लाके शासन को वापस देने वाले। कैमरामैन विजय के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज, मुंबई।